देश में 132 स्थलों पर ये ड्राई रन ये कर लिया गया है। हड़ताल और आरंभिक तैयारियों में ये सारी चीजें हुई है। 13 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन की 2.4 लाख से अधिक खुराक और कोवैक्सीन की 20 लाख खुराक यानी कुल 2,60,000 खुराक जो है पहली आपूर्ति वो हमारे पास आ चुकी है, इसको अब हम शुरू कर देंगे। आज हरियाणा में कोविड 19 का टीकाकरण जो आरंभ प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद किया जा चुका है और शेष स्थानों पर अब जो किया जा रहा है, आगे समय में जब तक टीकाकरण का अवधि पूरी नहीं होती तब तक इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। ऐसी हर प्रकार की तैयारी के बाद मैं तुमसे आश्वस्त हूँ और मुझे आशा है कि बाकी सभी सारे कार्यक्रम से आश्वस्त होंगे कि ये कार्यक्रम पूरा संपन्न अच्छी प्रकार से हो जाएगा। अब चूंकि कोविड की हमारी जो सप्लाई जो है वो आ चुकी है, हम इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुसरण करते हुए कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कोविड भले ही अब अपने डाउनवर्ड ट्रेंड पर है लेकिन हमने से कोविड वायरस को रोकने के लिए हमने जो वैक्सीन का प्रयोग किया है और जब तक कंप्लीटली इसको जीरो लेवल पर नहीं लाते तब तक सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यदि हम डाउन लेवल पर आए हैं तो सावधानियां हटनी चाहिए। मेरा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा की जनता को एक आह्वान है कि जो सावधानियां पहले बताई गई थी उन सब सावधानियों को बराबर एक प्रकार से उनको अडॉप्ट किए रखना चाहिए। उसमें मेन बुलाई नहीं पड़ना चाहिए, जैसे मास्क पहनना है, जैसे हाथों पर सफाई है, जैसे दो गज की दूरी है, ये सब मेंटेन करने का काम लगातार बनाए रखे। अंत में आज के इस कार्यक्रम के समय मैं आप सबको सब नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुलभ करवाने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, यही हमारा आह्वान करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वयं गुजर चुका हूँ और जो अपना अनुभव होता है वो साझा करना चाहिए।
इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जनता को जागरूक करें कि चिंता करने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं लगभग 17 दिन वेदांता हॉस्पिटल में रहा, शीला कटारिया की देखरेख में रहा, इन्होंने सबने जो है मिलकर के पूरे स्टाफ ने जिस प्रकार की चिंता की, तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी इस बात की कि मेरे शरीर का इलाज कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। मैंने अपना शरीर पेन के हवाले किया था, बाकी मैं अपना काम अपने आप करता रहता था। इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सब लोग अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, कोई अवसर आता है, मानो कोविड से प्रभावित होता, तो चिंता नहीं करें। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये इलाज बहुत ही इसका इलाज जो ठीक प्रकार से चल रहा है। आगे रोकथाम के लिए ये जो जो इस समय वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है, इस संबंध में भी एक जागरूक करना बहुत जरूरी है, जो आप लोग सब कर ही रहे होंगे कि इस पहले टीके के बाद 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगेगा और 28 दिन के बाद अगले 14 दिन भी उसमें इंतजार करना होगा, तब जाकर के इस टीकाकरण का प्रभाव होता है। कम से कम 42 दिन तक इस बात की सुनिश्चितता जरूर करनी चाहिए, तब सावधानियां बरतें, उसके बाद एंटीबॉडीज जो शरीर में पैदा होगी तब ये कहा जा सकता है कि अब ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ऐसा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात को शायद तस्दीक करेंगे कि 42 दिन तक तो टीकाकरण के बाद भी सावधानी की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे मेडिसिन के अगर लोग लाइव अपना कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर वहाँ जाएँ तो हम यहाँ से वॉच कर रहे हैं। और पंचकूला वालों को मैं कहूँगा कि क्योंकि वहाँ तो प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के बाद शुरू कर दिया गया था, तो वहाँ भी एक बार जाके जरा आदमी मुख्यमंत्री जी को दिखाया जाए कि किस प्रकार से वहाँ टीकाकरण का कार्यक्रम चला। सर वैसे आपका भी ये संदेश है सभी 77 साइट्स पे मानवीय के माध्यम से सबको रिसीव हो रहा है, लेकिन जो हम उनको देख पा रहे थे वही साइट्स थी जहाँ पर हुए फ्रेम देख रखो बच्चे फ्रेम में वहां से आ गया आपका माइक ऑफ है मेरा नंबर आ गया है, मैं जा रहा हूँ टीका लगवा ले। और मैं सबको यही सारे मेरे साथी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, समाज की प्रोटेक्शन के लिए मैम, क्योंकि हजारों लोगों को लग चुका है ये कर ले प्रेम चेंज कर राजे लगता नहीं कि कोई भी तकलीफ होगी प्रेम चेंज कर रहा वो देखो रे सारे या थोड़ा फील होगा ये नॉर्मल है और ये भी दिखाता है कि दवाई काम कर रही है। तो इसलिए मैं सबसे यही जो आपने आदेश दिया उसका भी पालन कर रहे सर। तो पंचकुला में भी एक इंजेक्शन लगाने की तैयारी चल रही है, किनको लगा रहे हैं? सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर है कंप्यूटर में, ठीक है। तो लेकिन हॉस्पिटल में तो सभी जितने हैं वो सारे
तो आपको यहाँ पर यह बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद वर्चुअली इस दौरान मौजूद टीकाकरण अभियान में वो उनकी मौजूदगी इस वक्त वर्चुअल तरीके से, और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि पूरे देश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में भी, हरियाणा में भी अलग अलग अस्पतालों में वहां पर वैक्सीन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और पहले चरण में क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों को और कोरोना के जो योद्धा हैं, जो कि लगातार डटे रहे, जो कि लगातार उस विपरीत परिस्थिति में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए लगातार निरंतर वहां पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे, आज के दिन सबसे पहले उनकी सुरक्षा के लिए हमने कदम आगे बढ़ाया है और उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। देश भर से अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें, तो वहीं प्रदेश में भी तमाम हेल्थ वर्कर्स को, तमाम कोरोना वॉरियर्स को इस वक्त वैक्सीनेट किया जा रहा है। अलग अलग केंद्रों पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। दरअसल दो वैक्सीन है हमारे पास, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। इन वैक्सीन का एक पूरा प्रॉपर पीरियड होगा, 28 दिन का ये पूरा पीरियड होगा, और इसी दौरान जब दोनों डोजेज आपको लग जाएंगी तभी आप प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट हो पाओगे, तभी आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाएंगे। इसके लिए तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। एक ही वैक्सीन आपको उसी के दो डोज लगेंगे, यानी कि अगर आपको कोवैक्सीन का पहला डोज इस बार लगा है तो अगली बार भी आपको कोवैक्सीन का ही लगेगा, कोविशील्ड का नहीं लगेगा। ये भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इस बीच आपको ये बताएं कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आगाज किया तो उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि देखिए दवाई तो आ गई है लेकिन फिर भी कड़ाई के साथ भी आपको अब आगे बढ़ना होगा। मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है, दो गज की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका वैक्सीनेशन के इस फेज में भी हम सबको ख्याल रखना होगा। टीकाकरण अभियान से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जुड़े, उन्होंने बातचीत भी वहां पर की, दिशा निर्देश भी दिया, और ये भी उन्होंने बताया कि अब हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, प्रदेश में किस तरीके से तमाम जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ रही है, किस तरीके से आगे डोजेस दिए जाएंगे, और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कितनी संख्या है, चाहे वो केंद्रों की बात कर ली जाए या फिर जो हेल्थ वॉरियर्स है उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है कि आज के दिन उन सभी लोगों को, उन सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन के लिए आपको ये बताएं कि पूरे देश ने तैयारियां की और आज वो शुभ घड़ी जब पूरे देश में सबसे बड़े अभियान का आगाज हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी शुरुआत की, देश को संबोधित किया। रामधारी सिंह दिनकर की कविता के साथ उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की और यह कहा कि तो आपको ये बताएं कि प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। इसी पंक्ति के साथ प्रधानमंत्री ने संबोधन की शुरुआत की और अपने संबोधन में उन्होंने उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवा दी, उन लोगों का भी उन्होंने जिक्र किया, वैज्ञानिकों को सराहा और पूरे देश को उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो आपको बताया कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रदेश में भी हो चुकी है, देश भर में हो चुकी है।